हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिरंजीत और टेक चिरंजीत की तरफ से मैं बोल रहा हूँ और यह है मेरे यूट्यूब का पेज। आप इसको जरूर लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएगा क्योंकि मैं इसी तरह नया नया वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टेक न्यूज़ है इसके ऊपर मैं थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। आज का जो टेक न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा टेक न्यूज़ मैं आपको अभी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों पहले शुरू कर देते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। नेटफ्लिक्स क्या कि अभी लॉन्च कर चुका है इंडिया पे, टोटल ऑल ओवर इंडिया पे अभी लॉन्च करने वाला है कि वो अभी जो ज़्यादातर ज़्यादा अमाउंट होता था बाहर के कंट्री में और इंडिया में भी ज़्यादा अमाउंट रहता था इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस, लेकिन अभी ये क्या किया थोड़ा प्राइस को घटा के 250 रुपये का प्लान ये लेके आ गया, 250 रुपये पर मंथ का हिसाब से ये लेके आ गया। और अभी जो करंटली जो ऑफ़र प्लान चल रहा है ये 500 से 800 के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है कि आगे करने वाला है 250 रुपये पर महीने का प्लान वो लाने वाला है। तो अगला जो वीडियो है इसके में अगला जो न्यूज़ है उसके लिए बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 जो मिस हो गया था, जो उड़ा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था उसका टैंक में, तो वो जो उड़ान है ये जुलाई 22 में ये उड़ने वाला है, जुलाई 22 में उड़ने वाला है। इसरो की तरफ से ये कंफर्म कर चुके हैं जुलाई 22 पे ये उड़ान भरने वाला है। तो थर्ड जो न्यूज़ है निकल के आ रहा है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर। जो बहुत ही ज़्यादा लोग क्या करते हैं अभी पासपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वो पासपोर्ट क्या होता है एक बुक रहता है, एक छोटा सा बुक रहता है छोटा सा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया उसको ई पासपोर्ट कर चुके हैं, मतलब अभी ये काम चल रहा है, अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, मतलब अभी प्रोसेसिंग में है, लेकिन आगे जाके ये चीज़ आपको मिल सकता है ई पासपोर्ट। यानी ये एक चिप रहेगा, ये जो खुलासा अभी जो निकल के आया ये एक चिप रहेगा, ये अगर आप वो चिप से कुछ छेड़खानी करते हैं तो सिस्टम जान पाएगा आप इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, वो भी बैन भी कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो निकल के आया है ये आप देख सकते हैं ई पासपोर्ट। तो आगे चल के जो भी बंदे लोग पासपोर्ट निकल चुके हैं उनका भी चेंज होके ई पासपोर्ट होने वाला है। तो ये जो न्यूज़ आ गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर से ये निकल के आया है। तो अभी जो न्यूज़ नेक्स्ट जो न्यूज़ है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्विटर कुछ लॉन्च किया है हाइड रिप्लाइज, मतलब ट्विटर ने अभी जो खुलासा किया है जो भी बंदे लोग पहले रिप्लाई करते थे वो शो करता था, हर किसी को शो करता था कि मैंने आपके ट्विटर अकाउंट में ट्विटर पिक पे क्या कमेंट्स दिया है, सबको शो करता था। लेकिन अभी ट्विटर ने ये चीज़ को बंद कर चुका है, हाइड कर चुका है। टोटल कितना कमेंट्स है ये तो दिखाई देगा, लेकिन कौन कौन कमेंट दिया है क्या दिया है ये सब नहीं दिखाई देगा। तो अभी जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है चलिए दोस्तों देखते हैं। इंस्टाग्राम क्या किया बिगिंस हाइडिंग लाइक्स। देखिए ट्विटर जैसे अब हाइड कर दिया कमेंट्स को, वैसे इंस्टाग्राम लाइक्स को हाइड कर दिया। कितना लाइक टोटल है वो तो दिखाई देगा, लेकिन कौन कौन लाइक किया है वो चीज़ नहीं दिखाई देगा दोस्तों। अभी ये जो है ट्रायल में चल रहा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, बेटा वर्जन में चल रहा है। तो अभी जो न्यूज़ निकल के आया है आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि द लायन किंग अभी इंडिया में चल रहा है दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में चल रहा है। तो ये जो लायन किंग है ये बहुत ही पुराना फिल्म है 1994 का, अभी जो रीमेक चल रहा है तो वो आप लोग देख सकते हैं 4 लैंग्वेज में दोस्तों। तो ये एक अपडेट निकल के आया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा न्यूज़ नहीं था लेकिन चलेगा दोस्तों, लायन किंग बहुत ही ज़्यादा पुराना फिल्म है और अच्छा है। तो नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आता है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जियो ओवरटेक एयरटेल टू बिकम नंबर 2 टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया। ये आप देख सकते हैं जियो फिर से नंबर 2 में आ जाए, एयरटेल टू बिकम नंबर 2 टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया, एयरटेल को पछाड़ दे के जियो अभी सेकेंड नंबर पर आ चुका है दोस्तों, जियो 5। तो ये आप देख सकते हैं जियो भी जीत गया, अभी सेकेंड पोजिशन पर है। अभी जो न्यूज़ निकल के आया है रेडमी पावर बैंक है 2 वेरिएंट निकल के लाया है 10,000 और 20,000 का एमएच का, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं है, ये अभी चाइना में लॉन्च कर चुके हैं और इंडिया में कब तक आएगा इसका न्यूज़ कुछ नहीं है अब तक। और इसका जो आउटपुट है 2 आउटपुट है और ये जो करंटली अवेलेबल है चाइना पे है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आया है नोकिया का कुछ फीचर्स फ़ोन, ब्रांडेड फीचर्ड फ़ोन कुछ निकल के आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो पिक्चर अभी लीक होकर आया है यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये नोकिया का फीचर फ़ोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें एंड्रॉयड भी चलता है और ये है अभी तो ज़्यादा एचएमडी के तरफ से ये निकल के आया है और ये एंड्रॉयड बेस्ड फीचर फ़ोन है। तो आशा करता हूँ ये हमारा टेक न्यूज़ आपको पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये टेक न्यूज़ कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।